10 Untold Facts About Powerful General Rahil Sharif, पाकिस्तान के मकबूल तरीन जनरल राहील शरीफ के 10 हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 6 आर्मी ऑफिसर्स को करप्शन पर बरतरफ करने वाले पाकिस्तानी फौज के 15वें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इज्जत और मकबूलियत हासिल करने वाले आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपना ओहदा संभालते ही ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि इनके नाकदीन भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अयूब खान के बाद ये दूसरे आर्मी चीफ थे जिनकी पेंटिंग्स, ट्रक आर्ट मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी मोहब्बत दिखाते हुए अपने ट्रकों पर बनवाई। और दुनिया भर में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की मकबूलियत के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इन जैसे आर्टिस्ट दुनिया भर में कहीं नहीं पाए जाते। बहादुरों और शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले आर्मी चीफ को हाफ बलोची और हाफ पंजाबी क्यों कहा जाता है? इनके बड़े भाई ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था और क्यों इनकी कब्र लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में मौजूद है? इनके दूसरे बड़े भाई ने जलते टैंक को छोड़कर भागने के बजाय क्या कारनामा सर अंजाम दिया? और एक दिन जब ये अपने घर आए तो इनकी वालदा ने इनके सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आज हम इन सब दिलचस्प और नाकाबिले यकीन हकायक को आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर जबरदस्त वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ घंटी का आइकॉन भी क्लिक कर लें ताकि हमारी ये मेहनत से बनाई हुई सारी वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जनरल राहील शरीफ 16 जून 1956 को गुजरात शहर के एक राजपूत खानदान में पैदा हुए, लेकिन इनकी पैदाइश बलोचिस्तान के शहर कोयटा में हुई क्योंकि इनके वालिद मेजर मोहम्मद शरीफ पाकिस्तानी फौज में अपनी जिम्मेदारियां कोयटा शहर में सरंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद शरीफ आजादी से पहले इंडियन ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं और इन्होंने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था और हिटलर और जापान की फौजों के खिलाफ भी लड़ चुके थे। राहील शरीफ अपने वालदैन के तीसरे बेटे हैं जबकि इनकी 2 बहनें भी मौजूद हैं। इनके वालदैन और इनके बहन भाई सब इनको प्यार से बॉबी के निकनेम से बुलाया करते हैं। 1974 में ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 54th लॉन्ग कोर्स में शामिल हो गए। अक्टूबर 1976 में इन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की और 6th बटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात हुए। ये वही रेजिमेंट थी जिसमें इनके बड़े भाई भी पहले अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक शहीदों के खानदान से है और शहीद भी ऐसे कि जिन्होंने वतन अजीज की हिफाजत के लिए ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो कि हमारी आने वाली नई नस्लों को सुनाए और पढ़ाए जाते हैं। 1965 की इंडो पाक वॉर में लाहौर शहर के महाज पर 6 दिन तक दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद भी इनके मामू थे, जिन्होंने अपनी लाजवाब बहादुरी और शहादत की वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल किया। 1971 में होने वाली इंडो पाक वॉर में मंकी हेडवर्क्स के मुकाम पर दुश्मन की चौकी को तबाह करने वाले और इस पर कब्जा करके कई रोज तक इसका दिफा करने वाले मेजर शब्बीर शहीद भी इनके सबसे बड़े भाई थे। 6 दिसंबर 1971 के रोज एक टैंक के गोले से शहीद होने वाले इस जांबाज को बहादुरी की वजह से निशाने हैदर से नवाजा गया, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ये वाहिद ऑफिसर हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया था, जिस पर इनको सितारे जुर्रत से भी नवाजा जा चुका था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को आर्मी के कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया गया क्योंकि इन्होंने शहादत से पहले ही वसीयत की थी कि चूंकि इनका बेहतरीन दोस्त इस कब्रिस्तान में दफन है इसलिए इन्हें भी शहीद होने के बाद यहीं पे दफन किया जाए। दोस्तों, जनरल राहील शरीफ के दूसरे बड़े भाई मुमताज शरीफ भी पाकिस्तान फौज में कप्तान थे। कप्तान मुमताज शरीफ ने भी अपने भाई के नाम और शहादत पर दाग नहीं लगने दिया और हादसाती तौर पर टैंक में लगने वाली आग पर वहां से भागने के बजाय कई सिपाहियों की जान बचाई, लेकिन इस कोशिश में ये खुद बुरी तरह जख्मी हो गए। इनके जख्मों की वजह से इन्होंने फौज से वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन बहादुरी से सिपाहियों की जान बचाने की वजह से इनको सितारे बसालत से भी नवाजा गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जनरल राहील शरीफ अपने शहीद मामू, एक शहीद भाई और एक गाजी भाई की लेगेसी के साथ फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और फिर 2004 में इनको बरतानिया में मौजूद रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के लिए मुंतखब कर लिया गया, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट किया और 2005 में मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की हासिल करने के बाद लाहौर की 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर बने, जहां इन्होंने 2 साल तक खिदमत सर अंजाम दी। ये तरक्की करते करते लेफ्टिनेंट जनरल बने और कोर कमांडर गुजरांवाला
तैनात हुए। इसके बाद ये आर्मी चीफ जनरल कियानी के बाद 29 नवंबर 2013 को पाक फौज के 15वें आर्मी चीफ बने। दोस्तों, इनके आर्मी चीफ बनने की दास्तान भी बहुत ही दिलचस्प और अजीब भी है। सीनियर सहाफी हारून रशीद के मुताबिक ये सीनियोरिटी में तीसरे नंबर पे थे और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये ज्यादा जहीन जनरल नहीं है और ये फौज को लीड नहीं कर सकते। और यही बात इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पसंद आई, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया जाए जो कि इनके रास्ते में रुकावट खड़ी ना कर सके। मजीद ये कि रहील शरीफ की अहलिया के नवाज शरीफ की अहलिया कल्सूम नवाज से गहरे मरासिम थे और आपस में दोस्ती थी, इसलिए इनका आर्मी चीफ बनना तय हो गया और इनसे ऊपर के दो सीनियर जनरल्स को आर्मी रवायत के मुताबिक इस्तीफा देना पड़ा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब जनरल रहील शरीफ आर्मी चीफ बने तो इस वक्त पाकिस्तान पर दहशतगर्दी और बदअमनी जैसे आसेब हुक्मरानी कर रहे थे। आए रोज कहीं ना कहीं धमाके हो रहे थे और अवाम के साथ साथ फौजी जवान भी बड़ी तादाद में शहीद हो रहे थे। ऐसे में रहील शरीफ ने जुर्रतमंदाना इकदाम उठाने का फैसला किया और मुल्क भर से, खासकर वजीरिस्तान और कराची से इन शरपसंद अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। सियासी क़यादत की बुलंदी और गैर दानिशमंदी की वजह से 2007 से ऐसे किसी भी ऑपरेशन की मंजूरी की तो दूर की बात, इस बारे में सोचने से भी हुक्मरान डरा करते थे। लेकिन शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस बहादुर और गैरतमंद जनरल ने कराची से अल्ताफ हुसैन नामी हजारों मासूमों के कातिल का खात्मा किया। जनरल रिजवान अख्तर की क्यादत में सिंध रेंजर्स ने शहर भर से शर पसंद अनासिर का बिला तफरी खात्मा शुरू कर दिया। वो शहर जो अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर बंद हो जाया करता था और एक ही दिन में दर्जनों मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे, इनको सुकून का सांस भी मिला। अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर भी पाबंदी लगाई गई और MQM समेत तमाम शर पसंद अनासिर को चुन चुन कर ठिकाने लगाए जाने लगा और यूं कराची शहर की रोशनियां फिर से बहाल हुई। वजीरिस्तान, जो कि शर पसंद अनासिर का गढ़ बन चुका था, वहां पर ऑपरेशन जरबे अजब लॉन्च किया गया और सैकड़ों सिपाहियों और अफसरान की शहादतों के बाद इस इलाके को भी अमन का गहवारा बना दिया गया। जनरल राहील शरीफ की क्यादत में जुर्रतमंदाना इकदाम की वजह से पाकिस्तान में अमनो अमान बहाल हुआ और खौफ से और खाफ के बादल झटने लगे। पूरी कौम इनकी इज्जत करने लगी और इनकी मकबूलियत रातोंरात आसमानों की बुलंदियों को छूने लगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जनरल राहील शरीफ की क्यादत में शर पसंद अनासिर का तकरीबन खात्मा हो चुका था, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को इन्हीं जालिम अनासिर ने हमारे अजली दुश्मन के इशारों पर पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया और दर्जनों मासूम बच्चे और बच्चियों को शहीद कर दिया। इस वाक्य ने पूरी कौम को खून के आंसू रुलाए और एक बार फिर से अंधेरे छाने का अंदेशा पैदा होने लगा। लेकिन ऐसे में फिर से जनरल राहील शरीफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों से कौम का मोराल बुलंद रखा और वादा किया कि ऐसे अनासिर को चुन चुन कर मारा जाएगा, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हो या बाहर हो। और फिर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसने दुश्मनों के अजाइम को खाक में मिला दिया। इसके बाद मुल्क में तेजी से अमन कायम होने लगा और गम और खौफ के बादल झटने लगे। दोस्तों, अगर आप भी जनरल राहील शरीफ की जुर्रत और बहादुरी वाले इन इकदाम की हिमायत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में वी लव जनरल राहील शरीफ जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक बार जनरल राहील शरीफ किसी मेडिकल कॉलेज के दौरे पर गए तो वहां पर मौजूद मेडिकल के स्टूडेंट्स ने इनसे पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपने फैसला किया कि अब इन शरपसंद अनासिर से किसी भी किस्म का रहम नहीं बरता जाएगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इस पर जनरल राहील शरीफ ने एक वाकया सुनाया कि जब मैं ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाता तो मेरी वालदा टेलीविजन पर मुस्लिम न्यूज चैनल पर बदअमनी की खबरें सुन रही होती थी और मेरे घर में दाखिल होते साथ ही मुझसे ये पूछती थी कि बेटा, ये क्या हो रहा है मुल्क में। तो मैं इनसे हमेशा यही कहा करता था कि माँ जी, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। इसी तरह मैं एक बार घर गया तो न्यूज चैनल पर फिर किसी वाकये की खबर चल रही थी। मैंने जब वालदा को सलाम किया तो इन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और सीधा पूछा कि बेटा, ये क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि बस अब बहुत हो गया, अब मजीद लोग अपने प्यारों को नहीं खोएंगे और अब अमन व अमान कायम रखना लाजमी हो चुका है। इसी तरह जनरल राहील शरीफ की वालदा ने भी इनके जुर्रतमंदाना फैसलों में अहम किरदार अदा किया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जनरल राहील शरीफ एक बार अमरीका के सरकारी दौरे पे गए तो इन्होंने कौम का पैसा बचाने के लिए अपने साथ किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं रखी और सिर्फ चंद अफसरान साथ गए। ऑफिशियल मीटिंग के बाद जब ये वापस अपने होटल आए और मुल्क वापस आने लगे तो अपना हैंड बैग खुद ही उठाकर चल दिए। ये देखकर इनके एक जूनियर ऑफिसर ने बहुत ही इसरार के बाद इनका ये हैंड बैग उठा लिया। अगर इनकी हॉबीज यानी कि इनके मशाकिल की बात की जाए तो दीगर फौजी अफसरान की तरह ये पोलो तो खेलते ही हैं, लेकिन इन्हें बुक रीडिंग यानी कि किताबें पढ़ना, स्विमिंग, तैराकी और हंटिंग यानी कि शिकार, ये इनके पसंदीदा मशाकिल हैं। किसी ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं बुक रीडिंग इसलिए करता हूं कि आपकी मालूमात में इससे इजाफा होता है और आपका जहन काम करना शुरू हो जाता है। स्विमिंग इसलिए करता हूं इसलिए कि ये आपके जिस्म को चाको चौबंद रखती है और एक फौजी के लिए चाको चौबंद जिस्म इंतहाई जरूरी है। और हंटिंग इसलिए क्योंकि इसमें
थ्रिल और एडवेंचर मौजूद है जो आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार करता है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी हॉबी पसंद है और क्यों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों चीन के सूबा सकियांग से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर गवादर तक 46 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 10,12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला सी पैक एंड वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा शुरू करने का सहरा भी जनरल राहिल शरीफ के सर जाता है, जिन्होंने कराची से लेकर खैबर तक मुल्क भर में अमन व अमान कायम रखा और 2016 में ये मंसूबा ऑपरेशनल हुआ। इस मंसूबे की कामयाबी पाकिस्तान को मौशी तौर पर अपने कदमों पर खड़े कर देगी और IMF की गुलामी से निजात भी इसी मंसूबे से जुड़ी है, लेकिन ये सब अमन व अमान की सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जब जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के दिन करीब आए तो मुल्क भर में इनके हक में बैनर्स लगने लगे, जिसमें ये वाजे तौर पर लिखा हुआ था कि खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आवाम की तरफ से जबरदस्त इज्जत मिलने और आसमान तक छूती मकबूलियत के बावजूद जनरल राहिल शरीफ ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया और वादे कर दिया कि वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। सेवियर ऑफ द नेशन का खिताब पाने वाले शहीदों के खानदान के सपूत ने 29 नवंबर 2016 को अपना ओहदा छोड़ दिया। आज मुल्क भर में मौजूद सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी बदहाली और इंतशार को देखते हुए फिर से जनरल राहिल शरीफ जैसे एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाले मुहिबे वतन आर्मी चीफ की जरूरत अशद महसूस हो रही है। दोस्तों जनरल राहिल शरीफ को रिटायरमेंट के बाद कानून के मुताबिक 2 प्लॉट्स भी मिले जो इन्होंने अपने जाती इस्तेमाल में रखने के बजाय शोदा के फंड को डोनेट कर दिए, जो कि इनके एक आला जर्फ और खानदानी होने का सबूत देते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जनरल राहिल शरीफ ने रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरब के बेहद इसरार और हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से कमांडर इन चीफ ऑफ इस्लामिक ट्रूप्स का ओहदा संभाला और ये इत्तेहाद 39 मुस्लिम ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल है, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमान दुनिया से शर पसंद अनासिर का खात्मा करना है। आजकल ये सऊदी अरब के शहर रियाद में मुकीम है, जबकि इनके 3 में से 2 बेटे पाक फौज में खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और अपने खानदान की रवायात को आगे बढ़ा रहे हैं। इन खिदमात की वजह से इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज भी दिया गया, जबकि सऊदी अरब, मुतहिदा अरब अमारात और तुर्की में इनकी खिदमात को देखते हुए इन्हें आला अवार्ड से नवाजा भी गया है। वैसे कुछ हल्कों की जानिब से इन पर तनकीद भी की जाती है कि ऐसे इस्लामी फौजों के इत्तेहाद का सरबरा बनने का क्या फायदा, जो कि फलस्तीन, कश्मीर और बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को ही ना रोक सके। इससे बेहतर यह है कि इस नाम निहाद इत्तेहाद का ओहदा छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाए। दोस्तों जनरल राहिल शरीफ के मुताबिक अगर आपको कोई भी दिलचस्प बात मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा भी जरूर बने। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।